बंसी बाज रही रे मधुबन में राधा रानी, ओ राधा रानी नाच रही निधिवन में। तो श्री कृष्ण की नगरी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या माहौल है, कितनी खुशी लोगों के मन में है, क्या रिएक्शन उन लोगों का है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मथुरा। और हम अभी हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने, ठीक गेट के सामने खड़े हैं, और हमारे साथ मथुरा के ही बहुत सारे श्री कृष्ण भक्त और श्री राम भक्त हैं, तो उनसे जानते हैं क्या उनके मन में है। तो 22 तारीख को सर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, कितनी खुशी है? खुशी का तो आप अंदाज़ा इससे मार्केट से देख सकते हो, इन ध्वजाओं से देख सकते हो, पता कर सकते हो। खुशी उत्सव जब अपने यहाँ होता है तो एक खुशी का अलग ही माहौल होता है, एक रंग में ही होती है व्यवस्था, बड़ी शांति से होती है। और खुशी तो इतना है कि राम को हमने, हमारे क्या पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा, एक पिक्चराइजेशन ही अगर रिपीट हो रही है तो बहुत हमारे अच्छी बात है, हमको देखने को, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, हमारे जनरेट को भी मिलेगा, और ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो कैसे ब्रिजवासी और मथुरा के लोग कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट इस तरीके से कर रहे हैं कि एक फेस्टिवल जो होता है जी, अपना अपना घरों में रह के अपने अपने बच्चों के साथ में, अपना अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने अपने शहर के साथ में तक सीमित रहें तो अच्छा है जी, क्योंकि वहाँ पर बहुत आगंतुक लोग हैं जिनकी व्यवस्थाएं हम ही लोगों को संभालनी है। आप अपना घर में भी रहकर समझ सकते हैं, उसका योगदान दें तो नहीं बस बेटर। तो कुछ सुनाना चाहेंगे प्रभु श्री राम पर या नहीं, कृष्णा पर? इन नैनन के नैनन सु खोल दिए, देखना शब्द पे ध्यान, वेदों के भेद जी। तो ये देखने की दृष्टि है, हम किस प्रकार किस समय को क्या देख रहे हैं, भेद तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। वेदों के जो वेदों में छिपा हुआ है, सिर्फ पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, अच्छा एक लॉजिकली समझने का जरूरत है, फीलिंग्स को जानने का जरूरत है, एनवायरनमेंट को महसूस कराने का जरूरत है। हम तो इस पान को रोज पान करते हैं, जो पान नहीं कर पाते अपने जीवन में एक बार ही आ पाते हैं, और शायद इस उत्साह के साथ में इतना स्टैंड हो जाए वो और चले आए, जैसे वृद्ध हो या कोई व्यक्ति कभी जाना नहीं और आज उसके साथ में उत्साह, उसको जागृत हुआ और वो चलाया, तो पहले ये उनके लिए व्यवस्था, उनको आने दीजिए, उनको आनंद लेने दीजिए। मथुरा के लोग प्रभु श्री राम को कैसे याद करते हैं? कैसे? राम राम साम, जैसे कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, लेकिन राम राम वो शब्द जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है हमारे प्रयोग में, हम पहले फाइव फेस तो मिलती है राम राम जी। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, हर जगह दिवाली मन रही है जी, दीपक जलेंगे जी, यहाँ की धर्म नगरी में खासतौर पर कृष्ण की नगरी में जी, जो यहाँ के मंदिर है हाँ, कैसे जाया जाए? वहाँ तो अंधेरे में उजाला देखोगे, यहाँ उजाले में भी उजाला है, आप देखिए लाइटें जो जल रही हैं, ये जो पड़ी हुई है झालर है, ये अभी भी जल रही हैं। उजाले में ही उजाला मत देखो, वो अंधेरे में उजाला मत देखो, उजाले में भी उजाला को देखो। जो सत्य है उसको सत्य को मानो, जो समय है उस समय को मानो जो सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है हमारे ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में क्या है। जो महाभारत शुरू होता है तो सबसे पहले क्या आता है, समय एक चक्र है, उसको उन्होंने बोला है मैं समय हूँ। मैं कौन हूँ? समय हूँ, पैसा भी नहीं है, समय है। उस समय की वैल्यूएशन को समझो, जो हमें ये प्रारब्ध प्राप्त हुआ है इतने समय बाद, इसको बड़े आनंदमय सभी श्रेष्ठ जनों को लेके और हमको आनंद लेना चाहिए। तो देखिए पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। अब मथुरा आए हैं तो मथुरा में जो बातचीत है वो रंगीली आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं वैसे यहाँ के लोगों का मन भी है, वैसे वो खुशी के साथ रहते हैं, और यही खुशी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी से हम श्री कृष्ण की नगरी पहुंच। बंसी बाज रही रे मधुबन में, बंसी बाज रही रे मधुबन में, राधा रानी ओ राधा रानी नाच रही निधिवन में। राधा रानी का ही नाम निधिवन है, और फॉरेस्ट ऑफ ये मिडिल टाउन दो डिफरेंट प्लेसेस हैं, वो निधिवन और सेवा कुंज हैं। तो राधा रानी का जल विहार और विहार वन जो होता है वो अनेक अनेक जगहों पे है, तो यहाँ तो रस है, रस है, रस की खान है, रस खान भी कौन थे, रस के खान थे, उन पे भी कृपा किसकी हुई, श्री हरिदास जी की। श्री इष्ट को बोलते हैं, श्री शक्ति को बोलते हैं, हर विष्णु को बोलते हैं, हर हरि नारायण है ना, विष्णु हरि हैं, ठीक है, और क्या हुआ दास, उनके भक्त को सेवायत को दास कहते हैं। तो बांके बिहारी जी को भी, कृष्ण भगवान को भी ट्वीन वन, बांके बिहारी जी कौन है, राधा और कृष्ण का एक स्वरूप है, सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं है, जैसे अर्ध नारेश्वर आपके महादेव जी और पार्वती जी, ऐसी बांके बिहारी ट्वीन वन है। कुछ लोग आते हैं दर्शन करके चले भी आते हैं, उनको ये नहीं पता ये भगवान कौन से हैं, राधा कृष्ण का एक स्वरूप है, जो हरदास जी की आराधना से निधिवन वो प्रकट हुए थे।
तो देखिए, जिस तरह मैं बता रहा था कि यहाँ कृष्ण की भूमि के लोग जिस तरीके से इनके मन में भक्ति का रस भरा हुआ है, जब मैं ख़त्म कर रहा था अपनी बात को तो फिर आके उन्होंने भजन सुनाया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रंगीले हैं ब्रिजवासी, कृष्ण के नगरी के लोग। तो ऐसे ही लोगों से मिलाएंगे, भक्तों से मिलाएंगे, देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम। तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, कृष्ण जी कह रहे हैं राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तण सब तेरे भागनी।